मैं आज उनके जिस हिस्से के बारे में, जिस रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ, वो है उनकी शरीके हयात एलिस फैज। एलिस फैज ब्रिटेन से थी और उन दिनों हिंदुस्तान आई हुई थी अपनी बहन के घर अमृतसर में। वहीं उनकी मुलाकात फैज साहब से हुई, मुलाकात इश्क में बदली और इश्क शादी में, और दोनों ताउम्र हमसफर बनकर साथ रहे। एलिस ने फैज को जितना समझा, जितना जाना, वो उस बारे में कुछ यूं कहती हैं, मैं आपको बताती हूँ। फैज साहब बड़े बेफिक्र, बेपरवाह और रूमानी फितरत के शख्स थे। वो लोगों से किए वादे अक्सर भूल जाते थे। उन्हें अपनी जेब, अपने बटुए और गिरेबान का होश नहीं रहता था। उनका पैन अक्सर चोरी हो जाता था, जिसके चलते वो पूरा घर सर पर उठा लेते थे। कहीं दूर सफर पर जाना हो तो स्टेशन हमेशा ट्रेन के रवाना हो जाने के बाद ही पहुंचते थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर हमको एक नज्म, एक शबी या एक गजल मिल जाए तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी उलझने, ये मुश्किलें, ये परेशानियां कबूल है। वो एक किस्सा सुनाते हुए कहती हैं कि हमारी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद मैंने उनसे एक सूट की मांग की। हालांकि उन दिनों ऐसी मांग करना किसी अय्याशी से कम नहीं था और फैज साहब की आमदनी भी बहुत कम थी और झगड़ा होने की वजह से महंगाई अपने चरम पे थी। फिर भी मेरी जिद की वजह से फैज साहब अमृतसर गए और मेरे लिए एक सूट लेकर आए। जब घर लौटे तो घर से करीब एक मील पहले उन्हें रिक्शे वाले ने उतार दिया और वहां से चलकर वो पैदल घर आए। जैसे ही घर आए मैंने वो बंडल उनसे लिया और बोला भाई दिखाइए मुझे। लेकिन देखा तो सूट का एक हिस्सा यानी ऊपर का जो कोट था वो गायब था। मैं बड़ी दुखी हुई, मैंने कहा जाइए फिर से लेकर आइए, कहाँ गिरा दिया आपने। वो गए, दोबारा गए, लेकिन नतीजा मुझे पता था, वो खाली हाथ ही लौटेंगे और वो खाली हाथ लौटे और ये मेरा सबसे बड़ा तजुर्बा था। इसके बाद और भी जिंदगी में कई किस्से होते रहे, जैसे एक बार हमारे घर में चोरी हुई और चोरी में मेरे सारे जेवर चले गए। एहसासे महरूमी मेरे चेहरे पर दिखने लगा, जिसे देखकर फैज साहब बोले कि क्या तुमने कभी गालिब का वो शेर नहीं सुना, न लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, न लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूं रहजन को। पैसा बड़े नर्म दिल के व्यक्ति थे, उनकी कभी भी किसी से लड़ाई नहीं हुई जिंदगी में, कभी कोई ऐसा तजुर्बा एलिस फैज नहीं बताती कि कभी उन्हें गुस्सा करते हुए देखा हो। एक बार जोश साहब हमारे घर आए और घर आके वो मुझसे पूछने लगे कि एलिस क्या आप में और फैज साहब में कभी लड़ाई नहीं हुई। तो मैंने कहा नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई। जिस पर जोश ने कहा अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन यहाँ पर फैज साहब का मानना कुछ और ही था। वो कहते थे जिंदगी में खूबियों को ज्यादा देखना चाहिए बजाय खामियों के। उनकी मोहब्बत कुछ ऐसी ही थी। एक और बहुत छोटा सा किस्सा है और बहुत ही खूबसूरत किस्सा है कि अमृता प्रीतम ने उनका इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि आप ब्रिटेन से हैं, आपको उर्दू भाषा नहीं आती, तो आप उनकी शायरी कैसे समझती हैं। इस पर एलिस ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया कि ये बात तो सच है कि मुझे उर्दू समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे शायर समझ में आता है। तो एलिस फैज बहुत सादी, बहुत ऐसी जिंदगी उनकी बीती। बस इतना ही, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे बोलते हुए बिल्कुल मजा नहीं आता जितना सुनते हुए आता है।